मेरा नाम रोशनी है, मैं मैनपुरी से हूँ। मैं मैनपुरी में अपने मम्मी पापा और छोटे भाई बहन के साथ रहती हूँ। मैं घंटा घर चौराहे पर रेडीमेड कपड़े की एक छोटी सी दुकान चलाती हूँ। दरोगा रवि कुमार जो कि देवीगेट चौकी पर तैनात है, वो मुझे काफ़ी परेशान किया करता था। मेरे दुकान के बैनर पर से मेरा नंबर उतार कर ले गया और मुझे नए नए नंबरों से कॉले करता था। मैनपुरी की एक चौकी में तैनात दरोगा रवि से परेशान युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर न्याय की गुहार लगाई है। न्याय न मिलने पर परिवार सहित आत्महत्या करने की भी युवती ने धमकी दी है। मेरी मदद की जाए, मेरी मुझे कहीं से मदद नहीं मिल रही है। पुलिस ने झूठे मुकदमे में भी फंसा दिया है दरोगा रवि कुमार, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। मैनपुरी SSP CEO सिटी अभय नारायण सर, उन्होंने कुछ भी मेरी मदद नहीं की, उल्टा उनके सामने तमाशा बनाया गया। इतना तमाशा बनाया गया, जीना मुश्किल हो गया। बस आत्महत्या करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर आप मेरी मदद नहीं हुई तो मैं और मेरा पूरा परिवार आत्महत्या कर लेंगे। और क्या कर सकते हैं हम, हमारी कहीं से मदद नहीं हो रही, मैं मदद की गुहार लगा रही हूँ। आपको बता दें कि पुलिस के दरोगा द्वारा एक युवती को परेशान करने वाले वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जी हां, उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में हो रहे वायरल वीडियो से पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान लगे हैं। कहीं ना कहीं वायरल वीडियो से नारी सुरक्षा और नारी सम्मान के अभियान पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। जब एक रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आखिर अपनी सुरक्षा के लिए किशोरियाँ, महिलाएँ और युवतियाँ कहाँ पर जाए। मामला जनपद मैनपुरी के कोतावली थाना क्षेत्र का है। यहां पर एक युवती का वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। योगी सरकार के एक दरोगा रवि कुमार जो कि चौकी इंचार्ज के पद पर है, उन पर युवती ने बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा है कि उसकी शहर में एक दुकान है जिसके बैनर से मोबाइल नंबर लेकर दरोगा रवि ने उसे परेशान करने का काम शुरू कर दिया, तो वहीं सोशल मीडिया पर चैटिंग करने का भी काम जारी कर दिया और उससे दबाव बनाकर परेशान करने लगा, जिसकी शिकायत युवती ने पुलिस अधीक्षक से की तो पुलिस अधीक्षक ने उसे ही कार्यालय पर बिठाकर धमकियां दी। दरोगा रवि कुमार जो कि देवीगेट चौकी पर तैनात है, वो मुझे काफ़ी परेशान किया करता था। मेरे दुकान के बैनर पर से मेरा नंबर उतार कर ले गया और मुझे नए नए नंबरों से कॉले करता था। जब मैं दुकान बंद करके अपने घर जाती थी तो मुझे रास्ते में रोक कर मेरे स्कूटी के कागज़ छीन लेता था, कभी चाबी निकाल लेता था, बदतमीजी देता था, गंदी गालियां देता था, कहता था मुझसे बात किया कर, मैं उससे कोई बात करना नहीं चाहती थी। मैंने ये बात अपने घर वालों को भी बताई काफ़ी बार। मैंने सोचा कि ये मुझसे मेरा पीछा छोड़ दे, मुझे तंग करना बंद कर दे, लेकिन वो बराबर मुझे परेशान करता था। मेरी स्कूटी के चाबी छीन लेता था, कभी कागज़ लेकर चौकी पर चला जाता था और सिपाहियों से कहता था कि इस लड़की को बुला लाओ चौकी पर। मैं चौकी पर जाने को मना कर देती थी तो मेरे कागज़ सिपाहियों से वापस करवा देता था। 10 बार कम से कम उसने मेरे साथ ऐसा किया। महिला थाने से महिला पुलिस बुलाकर SP कार्यालय में उसे कोतावली ले जाया गया, कई घंटों बाद छोड़ा गया। तब से लेकर अब 8 दिन से लगातार युवती कई बार न्याय की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी ने उनकी एक नहीं सुनी। उसने बताया कि उसके भाई को भी मारा पीटा गया, जिसका अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवती न्याय की गुहार लगाते दिख रही है। युवती ने पुलिस के आला अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि अपनी शिकायत लेकर कभी भी किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ना जाए, क्योंकि न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अगर उसे न्याय नहीं मिलता तो वह परिजनों सहित आत्महत्या कर लेगी। युवती ने वायरल वीडियो के माध्यम से खुद को और अपने परिवार को पुलिस की दहशत से बचाने की मांग करी। युवती का ये वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। मैंने सबको फैक्स किए, मैंने सबको रजिस्ट्री की और मैं मदद की गुहार लगाने गई थी SSP साहब के यहाँ पे। यहाँ हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया कि मैं तो सबसे अपील करूँगी कोई भी लड़की वहाँ ना जाए, अगर जाएगी तो उल्टा बंदी बना ली जाएगी और ऐसे ज़्यादती की जाएगी, उसे इतना परेशान किया जाएगा कि वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। वो दरोगा रवि कुमार आज भी उसी चौकी पर तैनात है, वहीं बैठा हुआ है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए मैनपुरी से संजय शर्मा की रिपोर्ट।